नमस्कार, आज आप सबका फिर से मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज जो एंजल नंबर और स्विच वर्ड मैं आप सभी को दे रही हूँ, वो उन सारी जो ऐसी रुकावटें हैं जो परेशानियाँ आपके जीवन में ला रही हैं उनके लिए है। या काम आप शुरू कर देते हैं और रुक रहा है बार बार, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके के ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, पढ़ाई जैसे बच्चे करते हैं और अचानक से दिक्कत आ जाती है, रुक जाती है, ये वहाँ भी काम करेगा। या कोई ऐसा काम जो आपने शुरू कर दिया और एकदम से चल तो बहुत अच्छे से रहा लेकिन रुक गया, तब आप इस स्विच वर्ड एंजल नंबर का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। इसकी वाइब्रेशन बहुत क्लियर है और जो वाइब्रेशन ये वहाँ पे देता है वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को तो हटाएगी, साथ ही साथ आपको पॉजिटिव थॉट्स भी देगी। मगर ये ऑरा बेस होते हैं, जितने भी एंजल वर्ड स्विच वर्ड्स होते हैं आपकी सोच के हिसाब से ये काम करते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। किसी भी तरीके का नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पे या दूसरों पे इनके कारण से नहीं आता, ये मैं शुरू में ही क्लियर कर रही हूँ। ये सब अच्छा ही काम करते हैं, अच्छे के लिए ही काम करते हैं, आपकी 100% प्रोटेक्शन करते हैं, आपको हाई डायमेंशन में रखते हैं और आपकी ऑरा के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से अपने कार्य को निर्धारित कर देते हैं। जैसा मैं लिख रही हूँ वही वैसे ही आपको लिखना है। यह है ऑयल रिलीज क्रिस्टल क्लियर अलाउ और 4002 नंबर यहाँ पर आएगा। यह आपको एज इट इज़ जैसा मैं सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जैसा मैं लिख रही हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है और इसको आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। ये पूरा आप लिखेंगे और सोते समय अपने पिल्लों के नीचे आप रखिए, आपको डायरेक्शन इंडिकेशंस आने शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं तो निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। किसी भी तरीके के पेपर के ऊपर आप इसको ब्लू या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। अपने पिल्लों के नीचे इसको आपको रखना है, पॉजिटिव 100% सोचते हुए रखना है और जो समस्या मैंने बताई है उसी पर ही ये काम करेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये आपको थॉट्स देगा, आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें बहुत साफ तरीके से इसको आपको लिखना है। ये कोई भी स्विच वर्ड कोई नकारात्मक आप पे किसी तरह की एनर्जीज नहीं डालते, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, इसीलिए हम इसको आपको अपने रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो समस्या उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। आप एक से दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर इसका प्रयोग करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसको आपको तकिए के नीचे या अपने सोते समय अपने आसपास रखना है, या आपकी कोई स्टडी टेबल है वहाँ पर रखना है, आपकी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा छेड़ाछानी इससे ना की जाए, ना जा किसी को बताया जाए, आपका काम पूरा होने के बाद में ही आप बताएंगे और ये आपको पॉजिटिव रखेगा। लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करना होता है, एकदम से काम नहीं करता, ऑरा बेस पर रहता है, आपकी ऑरा के हिसाब से अपना कार्य को निर्धारित कर देता है। एनर्जीज इसकी जो होती है 100% पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इफेक्ट ही देती हैं। सेल्फ हीलिंग सक्सेस के लिए भी आपके लिए काम करता है। आपको बिल्कुल इनपेशेंस नहीं होना इसको यूज़ करते समय, या मैं इतने समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको आपके फेथ पे आप पूरा निर्भर करता है। आप इसको नोटबुक के ऊपर भी लिख सकते हैं और आप इसको अपने डायरेक्शंस या सोचते समय आप इसको देख सकते हैं। स्टडी से पहले भी आप अपने जो स्विच वर्ड मैंने एंजल नंबर दिया इसको आप देखते हुए, या बार बार आप स्टडी कर रहे हैं और रुक जाते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कई बार मेरे पास ये सवाल आता है कि हमने जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं आप उसको दो दिन चार दिन पहले ये दे देते हैं और फिर कहते हैं उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए, टाइम लगता है हर चीज़ में, कोई चीज़ मैजिक नहीं होती। एक ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से दो दिन पहले आपने देखा आप इस्तेमाल करेंगे, मैं करिए अच्छी बात है, पॉजिटिव तो देगा ही देगा, लेकिन ऑरा कितना है, नेगेटिविटी कितनी, उस हिसाब से काम ये करेगा। ये स्विच वर्ड आपको पॉजिटिव रखेगा और आपकी डायरेक्शंस को भी, आपकी परेशानियों को भी जल्दी ख़त्म करेगा। यह आपका रास्ता जो भी अगर दिक्कत है उनको भी क्लियर करेगा। अगर ये स्विच वर्ड एंजल नंबर जो मैंने आप सबको बनाया गया, आप इस गाइडलाइन से फॉलो कर रहे हैं और आपको मेरा ये रेखी ज्ञान चैनल जिसमें मैं अक्सर आपके लिए स्विच वर्ड एंजल नंबर्स, रेखी, वास्तु, ज्योतिष,
जैसे मेरे पास जो जो उपाय हैं मैं डालती ही रहती हूँ और आपको गाइडेंस देती रहती हूँ। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।